Hey guys, welcome to my channel Bio Achievers. This is your Purti ma'am. In this video, we will discuss the important questions of this chapter, Neural Control and Coordination. Chapter number 21, an updated PYQ 2021 to 2011 is available on my Telegram channel, which is also given in the description box. So let's get started. In static condition, the body balance is sensed by, so यहाँ पर crista, macula और both A and B और cochlear canal. So here the right answer is macula. इसको समझते हैं कि देखो balancing दो तरह की होती है, static और dynamic. अगर हम static balancing की बात करते हैं तो ये इसको करता है otolith. Otolith क्या है? Otolith it is the utriculi and the saccule. और ये macula क्या है? It is the fundamental unit of the otolith. So यहाँ पर डायग्राम से भी देख लेते हैं. So this is the utricle and this is the saccule which is help in the static balance of the body. And these are the semilunar, semicircular canals which help in the dynamic balancing. और इसका जो unit होता है that is crista ampullaris. The set of mixed nerve is, मिक्स नर्व यहाँ पर पूछा गया है, तो हेयर द राइट आंसर इज वेगस, फेशियल एंड ट्राइजेमिनल. बहुत पुरानी एनसीईआरटी एडिशन में ये मिक्स नर्व्स का भी पार्ट था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं. अ थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इज, यहाँ पर वैस्कुलर मेम्ब्रेन की बात की गई है, तो लेट अस टॉक अबाउट द मेनिंजेस. जो मेम्ब्रेन की कवरिंग यानी कि मेनिंजेस होती है, तो ये थ्री टाइप्स की होती है. ड्यूरामीटर, ये एक्सटर्नल आउटर मोस्ट लेयर होती है. देन एराकनॉइड, ये मिडिल लेयर होता है. और नेक्स्ट वन इज़ अ पायमीटर, ये क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है. एराकनॉइड और पायमीटर के बीच में सब एराकनॉइड स्पेस होता है, जिसके अंदर CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वो फिल होता है. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द पायमीटर. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज द पीरियड ऑफ, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात की गई है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड नर्व इम्पल्स कंडक्शन में, तो ये कौन सा पीरियड होता है? तो आंसर इज रीपोलराइजेशन. लेट अस डिस्कस दिस फ्रॉम दिस ग्राफ. रिफ्रैक्टिव पीरियड का मीनिंग है कि व्हेन अ सिंगल एक्शन पोटेंशियल इज कम्प्लीटली पास थ्रू अ न्यूरॉन, इट वोंट परसीव अनदर इम्पल्स, यानी कि जब तक एक इम्पल्स पूरे न्यूरॉन से क्रॉस नहीं कर पाएगा, तब तक दूसरा इम्पल्स वो परसीव नहीं कर सकता, है ना. यहाँ पर देखो कि सबसे पहले जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो जनरेट होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, वो हमारा -70 होता है एट दिस टाइम. इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन, यानी कि रेस्टिंग फेज. यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पम्प ही ओपन रहते हैं, एंड उसके बाद जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन. इस केस में जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि देर इज़ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द एक्सॉन. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज़ +30 to +45 वोल्ट, मिली वोल्ट्स. देन उसके बाद होता है रीपोलराइजेशन. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, जिसकी वजह से इफ्लक्स होता है पोटेशियम आयंस का. क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडीज एम्बेडेड इन द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन आर रिफर्ड टू एज, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो है वो न्यूक्लियाई. आई मसल्स आर इनर्वेटेड बाय, आई मसल्स में यहाँ पर बात की जा रही है, तो आई मसल्स में कौन कौन सी यहाँ पर मसल्स होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डसेंस. Which of the following controls the reflex action? Reflex action की बात की गई है, यहाँ पर कौन सा control करता है? तो obvious है कि reflex action को कौन सा control करता है? Central nervous system. So from this diagram let us understand the reflex action. So उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग two यहाँ पर tricks देखेंगे to remember. DPS, D means होता है dorsal root ganglia, P means posterior and S for sensory signals, यानी कि dorsal root ganglia which is posterior which always sends the sensory signals. और दूसरा जो आपको याद करना है VAM,
VAM means ventral root ganglia, which is anterior and it is motor in functioning. So let us now understand, this is the example of monosynaptic reflex or knee jerk reflex. So यहाँ पर जो पार्ट है दैट इज नी, नी ने क्या किया, मैसेज सेंड किया थ्रू द स्पाइनल नर्व, एफरेंट स्पाइनल नर्व, एंड इट हैज़ गॉन टू द डॉर्सल रूट, देन मैसेज इज ट्रांसफर टू द इंटर न्यूरोन, एंड देन इट इज़ पास टू द वेंट्रल रूट गैंग्लियन, एफरेंट नर्व फाइबर्स इन इज इन्वॉल्व, और इसी तरह से एक्शन पोटेंशियल इज रीच टू द नी, और नी ने क्या किया कि जर्क दिया. सो दिस इज वॉट द होल द रिफ्लेक्स एक्शन. हायलोसाइट सेल्स अकर इन, हायलोसाइट्स होते हैं हमारे सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं विट्रस ह्यूमर में. सो दिस इज द राइट आंसर. सेरिबेलम इज कंसर्न विद, सेरिबेलम की बात की गई है, इसका फंक्शन, तो यहाँ पर इसका फंक्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट. यहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है और ये आर्बर विटी फॉर्म करते हैं, यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर ब्रेन. तो इसके जो पार्ट्स हैं दैट इज द सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस होता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ यही फ्रंटल रीजन से परसेप्शन, थिंकिंग एंड लर्निंग, पेराइटल पेन, हॉट एंड कोल्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं. दैट इज़ अ ब्रोका एरिया, ब्रोका एरिया से ये कंट्रोल करता है हमारा स्पीच, और वर्निक एरिया से ये कंट्रोल करता है हमारा लैंग्वेज, है ना, और एल्कोहल एज यू प्लीज टाइप ऑफ सिग्नल्स. एक टर्म होता है लिम्बिक सिस्टम, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, और यही वो सिस्टम है जहाँ से मेमोरी भी यहाँ से कंट्रोल होती है. ओके और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस न्यूरल कंट्रोल भी होता है और एंडोक्राइन सेक्रीशन भी होता है. तो जितने भी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वो गवर्न करता है, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग ये सब यहाँ से कंट्रोल होता है. और थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो होता है वो इट एक्ट एज रिले सेंटर. कैविटी इन द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज, कैविटी जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरो सील. सो दिस इज द राइट आंसर. बोमेन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, बोमेन ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, बोमेन ग्लैंड होते हैं ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम में. सो दिस इज द राइट आंसर. इन अ मैन व्हेन एब्डसेंस नर्व इज इंजर्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड. तो यहाँ पर देखो एब्डसेंस जो नर्व होती है वो अगर इंजर्ड हो जाएगी तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल नहीं हो सकता है. सो इट विल रिस्ट्रिक्ट दिस मूवमेंट. सो दिस इज द राइट आंसर, मूवमेंट ऑफ आई बॉल. पार्किंसन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिमर्स एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्स इज कॉज बाय डी जनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, है ना. तो यहाँ पर डोपामीन इज द राइट आंसर. ओके सो वॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन की जो साउंड इंटेंसिटी होती है वो होती है 35 to 60 decibel. इवन पावलोव परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन, सो वेरी सिंपल द आंसर इज कंडीशन रिफ्लेक्स. आर्बर विटाई इज कम्पोज ऑफ, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि इट इज कम्पोज ऑफ द वाइट मैटर. सो दिस इज द राइट आंसर. यू आर सिटिंग इन द बायोलॉजी क्लास डे ड्रीमिंग, योर इंट्रिंसिक हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, सो इंट्रिंसिक हार्ट बीट की यहाँ पर बात की गई है. सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल्स ऑफ एड्रेनलिन इन द ब्लड. सो दिस इज द राइट आंसर. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है. सो ओटोलिथ ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सेक्यूल एंड न्यूट्रिकल, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. द प्रेशर ऑन द ईयर ड्रम इज इक्वलाइज बाय द यूस्टेशियन ट्यूब, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्सिन ऑफ द रोडोप्सिन डेवलप्स फ्रॉम विटामिन ए, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज रेटिनॉल होता है जो कि वो विटामिन ए से डिराइव होता है, ऑप्सिन नहीं होता, ऑप्सिन इज अ प्रोटीन. पैकिसियम कॉर्पसल्स अकर इन द स्किन ऑफ द सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द मैमल्स, दीज आर ऑल, ये जो पैसिनियन कॉर्पसल्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द एनकैप्सुलेटेड प्रेशर रिसेप्टर्स. सो ये एक तरह के प्रेशर रिसेप्टर्स ही होते हैं. सो दिस इज राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच यहाँ पर बताना है. सो हेयर यहाँ पर ग्लूकोमा दैट इज द एबनॉर्मल हाई प्रेशर ऑन द लिक्विड ऑफ आई. यूस्टेशियन ट्यूब इट कनेक्ट्स द मिडिल ईयर कैविटी विद फैरिंग्स, दिस इज करेक्ट, दिस बोथ आर करेक्ट. कैलोरिसेप्टर इट इज, यस इट इज मेंट फॉर हीट,
इंटरोसेप्टर इज नॉट मेंट फॉर टच. सो दिस इज द राइट आंसर कि ये रॉन्ग दिया हुआ है, बाकी सब करेक्ट है. द क्रेनियल नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा इज, तो जो मेडुला ऑब्लोंगाटा से जो नर्व्स अराइज हैं वो हैं यहाँ पर 9, 10, 11 and 12. सो दीज आर द क्रेनियल नर्व्स विच आर अराइज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा. इफ मेडुला ऑब्लोंगाटा इज डिस्ट्रॉयड देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल बी अफेक्टेड, अगर ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा को तो कौन सा फंक्शन अफेक्टेड होगा. सो हियर चूंकि मेडुला ऑब्लोंगाटा इज रिलेटेड विद द रिफ्लेक्स रिएक्शन, सो यहाँ पर नो रिस्पॉन्स विन द प्रिक विद द निडल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द कॉर्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन आई, द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज, कॉर्निया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू इनेबल द इमेज टू बी फोकस, इट इज रॉन्ग. कंटेन अ कंसेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ कॉर्न सेल इन अ करेक्ट ओरिएशन, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू आई, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज बेंड द लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस, फॉर्म होती है दैट इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. सो दिस इज द राइट आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, पहले तो हमने डिस्कस कर लेते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. इन नॉन एमनियोस लास्ट नर्व इज वेगस, ये जो होती है स्टेटमेंट ये एकदम करेक्ट है. नॉन एमनियोस में हमेशा याद रखना कि लास्ट नर्व कौन सी होती है, वेगस. तो स्पाइनल एसेसरी हो जाती है लास्ट नर्व, रॉन्ग है. ऑप्टिक इज द शॉर्टेस्ट नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैज अ मिक्स नर्व, दीज आर ऑल द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स इज एन एसिटिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, कौन सा इनहिबिटर होता है, तो यहाँ पर होता है आंसर इज मेलाथायोन इज इनहिबिटर. हियरिंग इम्पेयरमेंट्स अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो हियरिंग यहाँ पर रेगुलेट होती है टेम्पोरल लोब से, तो दिस इज द राइट आंसर. अ फ्रॉग हैज इट्स ब्रेन क्रश बट वेन पिंच्ड ऑन द लेग्स ड्रॉज अवे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स, सो दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ दीज कंपाउंड जनरेट अ फीलिंग ऑफ वेल बींग एंड इनहिबिट्स द सेंसेशन ऑफ पेन, सो यहाँ पर सेंसेशन ऑफ पेन को इनहिबिट करता है और जनरेट द फीलिंग ऑफ वेल बींग, सो हियर द आंसर इज एंडोर्फिन, सो दिस इज द राइट आंसर. द क्यूटेनियस प्लेक्सिस एंड द पैपिलरी प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ, प्लेक्सिस मीन्स नेटवर्क, यहाँ पर नर्व्स की बात की गई है, तो नर्व्स में क्यूटेनियस प्लेक्सिस यानी कि रिलेटेड टू द डर्मल सेंसेशन, सो स्पेशलाइज सेल्स फॉर द क्यूटेनियस सेंसेशन, क्यूटेनियस नहीं होगा. ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, तो बिल्कुल ही नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग. ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स टू प्रोवाइड डर्मल सेंसेशन, सो दिस इज द राइट आंसर. ग्लैंड्स दैट रिलीज द क्यूटेनियस सेक्रीशन, दिस इज द रॉन्ग आंसर. Which portion of the brain is responsible for the various emotions such as pleasure, fear and happiness? So, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन, और उसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, सो दिस इज द राइट आंसर. फंक्शन ऑफ वेगस नर्व इनर्वेटिंग द हार्ट इज टू, जो वेगस नर्व है ये क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, एंड इसका जो वर्क होता है, इसका फंक्शन जो होता है, दैट इज टू रिड्यूस द हार्ट बीट. Which of the following nerves is the largest of the cranial nerve? सबसे largest nerve कौन सी होती है? So यहाँ पर जो answer आ जाएगा हमारा, that is the trigeminal nerve. Which of the following is not related to the autonomic nervous system? Autonomic nervous system से related नहीं है. Autonomic nervous system से generally smooth muscles and involuntary actions are controlled. So here peristalsis, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे ही इट इज़ रिलेटेड टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बट मेमोरी एंड लर्निंग नहीं है, दिस इज द राइट आंसर. द थिन एंड द कॉन्वोलेटेड आउटर लेयर ऑफ द ग्रे मैटर दैट कवर्स, यहाँ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पर देखो जो ग्रे मैटर की बात की गई है और जो कॉन्वोलेटेड आउटर लेयर है ना, तो यहाँ पर मेनिंजेस नहीं होगा, और क्या होगा इसका राइट आंसर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सो दिस इज द राइट आंसर. The abundant inhibitory neurotransmitter found in the CNS. यहाँ पर देखो inhibitory neurotransmitter की बात की गई है, तो इसमें जो आंसर होगा GABA. GABA का फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, सो दिस इज द राइट आंसर.
देर आर डैश लैमिना प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर. तो वेरी सिंपल, कितने लैमिना होते हैं? 10 लैमिना होते हैं. When cocaine is used as a stimulant, it interferes with the CNS at the reuptake of dash at the synapse. तो वेरी सिंपल कि यहाँ पर याद रखिए, जब भी कोकोइन लिया जाता है तो ऑलवेज इट इंटरफेयर विद द न्यूरो ट्रांसमीटर, और उसका नाम है डोपामीन. डोपामीन को वो इंटरफेयर करता है. स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय. सो ये सारे ही इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. वो कौन सा नर्वस सिस्टम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं है. देन पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और ऑटोनॉमिक सिस्टम. तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑटोनॉमिक सिस्टम. न्यूरिलेमा सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, न्यूरिलेमा सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? श्वान सेल भी कहा जाता है. विच ऑफ दीज कंपाउंड जनरेट अ फीलिंग ऑफ वेल बींग एंड इनहिबिट द सेंसेशन ऑफ पेन. सो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है कि जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ वेल बींग एंड इनहिबिट्स द सेंसेशन ऑफ पेन. सो द आंसर इज एंडोर्फिन. सो दिस इज ऑल फॉर दिस video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.